So today, in this video, we will start a new chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So, Nelson Mandela, who was Nelson Mandela? So, Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than three centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress, ANC party, won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa history. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of any other, said Mr. Mandela in his address. So, jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites and coloured celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So, नेल्सन मंडेला सबसे पहले थे कौन? सो नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे अफ्रीका के. जैसे कि इंडिया में वाइट रूल था, वैसे ही अफ्रीका में भी वाइट रूल था फॉर थ्री सेंचुरीज. जैसे इंडिया में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने एज अ फ्रीडम फाइटर एक फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, वैसे ही अफ्रीका में नेल्सन मंडेला थे. तो वहाँ पे बेसिकली किस चीज़ में होता था? कलर में. जो आपके बॉडी कलर है, वाइट्स एंड ब्लैक्स, तो नेल्सन मंडेला ब्लैक्स में आते थे. उन वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. उनकी पार्टी थी नेम एज नेल्सन मंडेला नेशनल कांग्रेस, ANC, जिसको 252 वोट्स मिले आउट ऑफ 400 और उनकी पार्टी जीती थी. ओके, सो दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं? जो रियलिटी में जो हुआ होता है, किसी इंसान के बारे में रियलिटी में जो लिखा होता है. जैसे कि मूवी आई है MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? धोनी की ऑटोबायोग्राफी है. ओके, तो वैसे ही दिस होल चैप्टर इज अबाउट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. ही वॉज बॉर्न इन 1918. The first black president of South Africa. Excerpts from Long Walk to Freedom include description of the inauguration ceremony, citations from his speeches, his journey to being a freedom fighter, the struggle, along with the tribute to other freedom fighters and countless other people who fought for their freedom. In South Africa, a brutal practice named apartheid was followed. Apartheid refers to a discrimination between people on the basis of their race. It was one of the most brutal societies where dark-skinned people were deprived of their basic rights. This lesson gives us an overview as how Nelson Mandela, along with others, carved their way to the society where there is no discrimination on the basis of color, caste, race and or gender. So ये जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये है नेल्सन मंडेला के बारे में. इस चैप्टर में बताया कैसे उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, कैसे उनकी स्पीचेस थी, कैसे उन्होंने दूसरे फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पिरेशन दी, दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के साथ उन्होंने फ्री कराया अपनी कंट्री साउथ अफ्रीका को. ओके, तो साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही ब्रूटल, मतलब बहुत ही बहुत ही बहुत ख़राब, बहुत ही दर्दनाक सी एक प्रैक्टिस चलती है जिसको बोलते हैं अपार्थीड, बोलते थे. तो अपार्थीड मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना फ्रॉम पीपल फॉर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि आप इस पार्क में नहीं जा सकते. जैसे इंडिया में अनटचेबल्स के साथ था, वैसा ही बिल्कुल साउथ अफ्रीका में था अपार्थीड प्रैक्टिस थी. तो अपार्थीड प्रैक्टिस में जो ब्लैक्स होते थे उनको
बेसिक राइट्स नहीं मिलते थे, जो जहाँ पे वाइट्स बैठ सकते थे वहाँ पे ब्लैक्स नहीं बैठ सकते थे, जहाँ जहाँ वाइट्स जा सकते थे या जो जो काम वाइट्स कर सकते थे वो काम ब्लैक्स नहीं कर सकते थे। सो ये जो जर्नी है नेल्सन मंडेला की, उन्होंने साउथ अफ्रीका को फ्री कराया ये सारे जितना भी ब्लैक जो ये वाइट का रूल था, और जो उनका ब्लैक थे, ब्लैक कम्युनिटी थी, उनको फ्रीडम दिलाई थी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद अदर्स हु कार्व देयर वे टू अ सोसाइटी वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी सोसाइटी बनाई उन्होंने जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। ओके, सो नाउ लेट्स रीड द कंटेक्स्ट। ओके, 10 day dawned bright and clear. From the past few days, I have been pleasant besieged by dignitaries of the world, leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings of Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. So here जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो पूरी जो पूरे पूरी जो चैप्टर है ये किस बारे में है, जब फ्रीडम हो गई और फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, साउथ अफ्रीका का फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जब बनी। ओके, और जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तब की ये इनॉग्रेशन की बात कर रहे हैं। ओके, सो हेयर मीनिंग ऑफ डॉन्ड मीन्स बिगैन, 10th May डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, बिगैन अ डे बिगैन, ठीक है। प्लेजेंटली मीन्स गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी सैटिस्फैक्शन और इन्जॉयमेंट, एंड in the first line there is a word besieged. For past few days I have been pleasantly besieged. Besieged means to be surrounded by dignitaries. Dignitaries means a person considered to be important, जो VIP लोग होते हैं, जो high rank के या फिर high office के होते हैं, जो high rank को hold करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी PM हैं, President हैं, जो हमारे रामनाथ कोविंद, तो ये सब जो हैं वो हाई डिग्नेटरीज हैं। तो दिस लाइन से इज कि जैसे 10th May बिगैन हुआ, जैसे 10th May का डे आया, और पास्ट फ्यू डेज से जो नेल्सन मंडेला हैं वो सराउंडेड हैं बड़े बड़े डिग्नेटरीज से। बिसीज मीन सराउंडेड बाय अ पर्सन, अ डिग्नेटरी मीन्स अ पर्सन कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई रैंक और ऑफिस। ओके, सो the words there is sandstone. Okay, so sandstone means a sedimentary rock consisting of sand or quartz grain cemented together, typically red, yellow or brown in color. तो एक rock को हम लोग sandstone बोलते हैं, ठीक। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater. जो amphitheater था, जो hall था, auditorium था, वो सैंडस्टोन का बना हुआ था, ठीक है, सैंडस्टोन रॉक का बना हुआ था। ओके, एंड देयर इज अ वर्ड एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर मींस एन ओपन एयर थिएटर, जो ऊपर से खुला होता है थिएटर, जैसे स्टेडियम टाइप का वैसा। सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी मींस अ स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू ऑल अदर्स इन अथॉरिटी, पावर और स्टेटस। सो वेयर दिस वर्ड इज यूज्ड इन द सेकंड लास्ट लाइन, फॉर decades, दिस हैज़ बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी मतलब क्या होता है, अ स्टेट और कंडीशन ऑफ बींग सुपीरियर, कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसी स्टेट जहाँ पर कोई आपसे बड़ा है, कोई आपसे ऊपर आता है, कोई आपकी जो अथॉरिटी है, जो उसके पास ज़्यादा पावर और ज़्यादा स्टेटस है। ओके, सो दिस पैराग्राफ मीन्स 10th May वॉज द डे वेन नेल्सन मंडेला स्वॉन इन एज द फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ द स्टेट, फर्स्ट प्रेजिडेंट, ओके, of South Africa.
it was after years of struggle that his anti-racist party, anti-racist मतलब जो कोई भी भेदभाव नहीं करती, blacks, white, कोई से भी color की हो आपको कोई भेदभाव नहीं होगी, okay? came into power. Until then, the seat had been occupied by the white presidents. So, Nelson Mandela, ये जो दिन था 10th May का, ये दिन था जब Nelson Mandela को first black president बनाया गया, और उससे पहले जो president थे, जो ये seat थी वो बहुत ज़्यादा centuries से whites के पास थी, white president थे इसके. That is the why the author referred to the day as the bright and clear. तो author ने इस day को bright और clear क्यों कहा है? 10th May dawned bright and clear, क्योंकि आज का दिन है जब उन्हें वाइट से आज़ादी मिल गई, उनके ऊपर कोई नहीं है, कोई उनको रूल नहीं कर रहा है, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है, कोई उनके राइट्स नहीं छीन रहा है. दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज ब्राइट एंड क्लियर. सो दैट इज़ द रीज़न द ऑथर है सेइंग द डे एज ब्राइट एंड क्लियर. इट वॉज अ मॉर्निंग फुल ऑफ होप. Days before this date, many notable personalities started congratulating for his victory. For the first time in the country's history, so many international leaders came together for their inauguration ceremony. The ceremony took place in an open circle building made of sandstone consisting of union buildings in a Pretoria city. Okay, understood. So now let's come to the another paragraph. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. D. Clerk was the first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people, to the assembled guests and the watching worlds. Okay, so deputy matlab kya hota hai? Second in command, jo dusra hota hai, uske niche hota hai. Aur sworn matlab kya hota hai? To take an oath. Unhone kya li? Ek oath li. Determined to stay in the role specified. Okay. Pledged मतलब क्या होता है? First line जो है इसमें pledged का meaning है, right? So what is the meaning of pledged here? Pledged means committed. कोई person या कोई organization से कोई को commit कर दिया आपने कि ये चीज़ आप करोगे ही करोगे. आपको ने कोई pledge कर लिया, कोई वादा कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं pledge, ठीक है. So okay, so this paragraph means that the author was accompanied by his daughter Zenani. So Nelson Mandela जो हैं उनकी जो बेटी का नाम है वो है Zenani. तो जो author हैं, जो Nelson Mandela हैं, वो अपनी daughter को साथ में लाए थे on this big day. This is a big day क्योंकि वो president बनने जा रहे हैं, first black president of South Africa, right? So first the two vice presidents took an oath. तो जो दो vice presidents थे, deputy मतलब second number पे, जो इनके नीचे काम करते हैं, जो इनके नीचे power में हैं, तो वो deputy presidents थे. तो दो deputy presidents named Mr. D. Clerk and Thabo Mbeki उनका नाम था. इन्होंने, इन दोनों ने पहले oath ली. Oath मतलब शपथ ली, ठीक है. Then when his turn came, he committed to respect, protect and abide by the constitution and to devote his entire self into the welfare of the country. तो जब इसकी turn आई, जब Nelson Mandela की turn आई, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये promise किया कि वो इस चीज़ की respect करेंगे, state को protect करेंगे और जितना भी जो भी constitution है उसको हमेशा follow करेंगे और अपनी सारी life इसकी वेलफेयर, इसकी इस कंट्री को अच्छा करने में लगा देंगे. सो लेट्स सी व्हाट ही सेड. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which all humanity will be proud.
we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of waters. After all, a common victory for justice, for peace, and for human dignity. So, what is the meaning of assembled here in this paragraph? First line, second, third word, to be assembled guest. Assembled मतलब जो वहाँ पे gather हुए हैं, gather together in one place for a common purpose. एक चीज़ के लिए जो gather हुए हैं, उनको assembled बोलते हैं. Then there is a word in the second line, confer. Confer means grant, grant honor. Glory means grant honor. Okay. Then there is a word outlaws in the fourth line. Outlaws means because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa. So, outlaw मतलब क्या होता है? क्योंकि जब whites यहाँ पे थे, तो बहुत सारी international countries जो थी, उन्होंने इनसे रिश्ता तोड़ दिया था. उन्होंने outlaw कर दिया था, ठीक है? रिश्ता तोड़ने को किसी कोई अपना relation जो diplomatic relation होता है, countries के बीच में जो relation होता है, उसको तोड़ने को हम outlaw कहते हैं. Now there is a phrase in the last third line, on our own soil. So on our own soil means in our own country. Okay, there's a word in the second last line, possession means ownership. And there's a word, the last word, dignity means a state or quality of being worthy of respect. Dignity मतलब कोई ऐसी स्टेट या फिर कोई ऐसी क्वालिटी आपके अंदर कि आप डिज़र्व करते हो कि आपको कोई रिस्पेक्ट करे. सो दिस होल पैराग्राफ जो है ये वो है जो उन्होंने स्पीच दी वहाँ पर. जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपनी असेंबल जो गैदर्ड पीपल थे उनसे बोला क्या. सो दिस पैराग्राफ मीन्स द ऑथर ऑल्सो मैंशन सम पार्ट ऑफ द स्पीच वेयर ही सेड एवरी वन by his presence was giving rise to hope for a new beginning. Previous rulers were discriminatory and lasted for long, but the ones who were given the opportunity to rule now is ANC. So इन्होंने बोला कि जितने भी यहाँ पे जो जितने भी लोग असेंबल हुए हैं वो मुझे होप देते हैं और कि मैं आगे बढ़ूँगा, मैं इस स्टेट को राइज करूँगा, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू नई शुरुआत करूँगा. और पहले के जो रूलर्स थे वो थे डिस्क्रिमिनेटरी, वो भेदभाव करते थे, पर अब जो अपॉर्चुनिटी, जो चांस मिला है वो मिला है ANC को. ANC किसकी वो थी? एंटी नेशनल कांग्रेस. किसकी थी वो? थी वो थी नेल्सन मंडेला की. तो उस गवर्नमेंट को स्टैंड मिला है. हु वुड स्टैंड अप अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन? और मेरी गवर्नमेंट स्टैंड अगेंस्ट किसके स्टैंड अगेंस्ट करेगी? डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव के अगेंस्ट रहेगी. ही इज़ ग्लैड टू होस्ट अ सेरेमनी विद द प्रेजेंस ऑफ ग्लोबल लीडर्स. इट इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. तो नेल्सन मंडेला थे वो बहुत खुश थे. ग्लैड मीन्स बहुत खुश कि वो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ ये असेंबली जो है वो होस्ट कर रहे हैं. इतने बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए. और यही एक अपने अंदर ही एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये. There was a time when South Africa, for practicing apartheid, lost all its international political relation, जिसको हम बोलते हैं outlaw. तो एक टाइम था जब यहाँ पे प्रैक्टिस होता था apartheid किया. apartheid वही हो गया, discrimination between whites and black. ये जो प्रैक्टिस थी उसकी वजह से जितने भी international जो रिलेशंस थे और कंट्रीज़ के साथ वो सब टूट गए थे. नाउ देयर इज़ नो सेग्रीगेशन. बट अब क्योंकि ANC कांग्रेस आ गई है यहाँ पे, क्योंकि ANC गवर्नमेंट आ गई है, अब यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड जेंडर. एंड नेशंस आर हैप्पी टू हैव हेल्दी डेमोक्रेटिक रिलेशंस. तो अब जो भी जितने भी नेशंस हैं उनके साथ हमारा साउथ अफ्रीका का अच्छा, हेल्दी मतलब अच्छा रिलेशनशिप बनेगा. फाइनली दे हैव कम टू पावर एंड दे प्लेज टू everyone to make everyone proud. He thanked everyone, especially the international leaders, for joining them in celebrating their achievements, which is step towards an equal
सोसाइटी वेयर एवरी ह्यूमन विल बी ट्रीटेड फेयरली. तो नेल्सन मंडेला इज सेइंग ही इज थैंकिंग एवरी वन, एस्पेशली जो बाहर से जो इंटरनेशनल लीडर्स आए हैं इस असेंबली को ज्वाइन करने के लिए, एंड देम इन सेलिब्रेटिंग देयर अचीवमेंट. वो ज्वाइन क्यों करा, यही अचीवमेंट, प्रेसिडेंट बने इसकी अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के लिए. एंड ही इज़ प्रोमिसिंग टू हिज पीपल कि वो कब हमें इस हमेशा स्टेट को प्राउड फील कराएगा, और आज के बाद अब से ये सोसाइटी जो है वो इक्वल है, कोई भी ट्रीटेड अनइक्वली नहीं होगा. नो वन विल बी ट्रीटेड ऑन नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड इन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड एंड gender. So I'll end this video here. I will basically explain you the next part of the chapter in the next video. So I want you to go through, this is a difficult chapter, I want you to go through this chapter and learn the difficult word meanings and difficult words. Thank you.